नमस्कार, स्वागत है आपका मॉम्स किचन में। गर्मियाँ शुरू हो गई है और सभी को गर्मियों में ठंडा पीने की इच्छा तो होती है, तो आज हम बना रहे हैं घर में ही सेहत और स्वाद से भरपूर ठंडाई। होली भी आ रही है और होली का नाम लेते ही सबसे पहले याद आते हैं होली के रंग, मिठाई और ठंडाई। तो चलिए ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। ठंडाई बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे 5 चम्मच बादाम, ये लगभग चौथाई कप है, 2 चम्मच काजू के टुकड़ी या साबुत काजू भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच पिस्ता, 4-5 छोटी इलायची, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच से थोड़ी कम काली मिर्ची। ठंडाई में जो तीखापन होता है वो काली मिर्ची से आता है, तो अगर आपको तीखा पसंद है तो काली मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच खरबूजे के बीज, 1 चुटकी केसर और 1 चम्मच सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और सभी सामग्री को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढककर रात भर के लिए भीगने देंगे। तो ये देखिए, रात भर में सभी मसाले और ड्राई फ्रूट्स भीगकर अच्छी तरह से फूल गए हैं और नरम हो गए हैं। अब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और साथ में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच गुलकंद। ये मेरे पास मिश्री वाला गुलकंद है जो किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, इन सभी को पीसकर हमने एक बारीक पेस्ट बना लिया है। अब एक बाउल पर थोड़ी मोटी चलनी रखकर इस पेस्ट को हम छान लेंगे ताकि इसमें जो भी छिलके हैं या कोई मोटा दाना रह गया वो अच्छी तरह से छन जाए और हमें एकदम स्मूथ पेस्ट मिले। ये ठंडाई बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो लीजिए, ठंडाई छिन चुकी है। अब हमने जार में भी थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद जो हमारे पास ये मिश्रण बचा है इसे आप किसी ग्रेवी की सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, ठंडाई के लिए एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार है। ये बन गई है हमारी शुगर फ्री ठंडाई। इस पेस्ट को बनाकर आप कांच की बोतल में डालकर फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको ठंडाई बनानी हो तो 2 या 3 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्लास में डालिए, दूध डालिए, बर्फ डालिए और इसे मिलाकर शुगर फ्री ठंडाई के मजे लीजिए। पर जिन्हें मीठा पसंद है या जो खा सकते हैं उनके लिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चीनी और 3 कप पानी। अब गैस को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर चीनी घुलने तक लगातार इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए, चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इससे मिलाएंगे ठंडाई का पेस्ट। इस पेस्ट को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलर और टेस्ट के लिए 2 चुटकी केसर, जिसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। मैं केसर ठंडाई बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें केसर डाली है, कोई आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया है। आप चाहें तो इसे ज्यादा येलो करने के लिए इसमें कलर यूज कर सकते हैं। लगातार इसे चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और जब ये उबलने लगे, ऊपर आने लगे, तब गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। बस इसी तरह गैस की फ्लेम को कम या तेज करके हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इस ठंडाई को पकने देंगे। तो देखिए, 15 से 20 मिनट में ये ठंडाई अच्छी तरह से पक गई है और इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बस इस ठंडाई को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होकर भी गाढ़ी होती है। तो लीजिए, केसर या बादाम ठंडाई सिरप बनकर तैयार है। जब ये सिरप ठंडा हो जाए तो किसी भी कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल में आप इसे भरकर फ्रिज में रख दीजिए। तो मेरे पास ये एक जग है, इससे मैं इस बोतल में ठंडाई को डाल रही हूँ। आपके पास स्कूप है तो आप उससे भी इस ठंडाई को डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करके इसे हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए, मेरी एक लगभग 1/2 लीटर ठंडाई बनकर तैयार हुई है। आप अपनी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब जब भी आपका ठंडाई पीने का मन करे 3 से 4 चम्मच ठंडाई सिरप डालिए और उसमें डालिए ठंडा ठंडा दूध और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए।
इसे डालिए ग्लास में और गार्निश के लिए इसमें ऊपर से आप पिस्ता और केसर डाल सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी होली स्पेशल और गर्मियों के लिए घर में बनी हुई सेहत और स्वाद से भरपूर केसर या बादाम ठंडाई। तो इस होली जल्दी से इसे बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।